क्या हुआ बबलू भैया, का इतना चिंतित हो? घर में पेले गए हो का? अरे का बताएं भैया, देश में इतनी बेरोजगारी छाई है, काम हम कुछ मिल नहीं रहा है। आखिर पैसा कौड़ी कमाए तो कैसे कमाए? खूब सारा पैसा कमाने का कोई आइडिया हो तो बताओ। अरे इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, स्विस बैंक की लूट लो, इक्के बार में अंबानी अडानी बन जाओगे। हाँ चिंटू भाई, ये सही रहेगा। उसके बाद पुलिस हमको पकड़ लेगी, हथकड़ी लगाएगी और जेल ले जाएगी, वहीं पे बैठ के आराम से पैसा गिनेंगे, ठीक है? अरे बबलू भैया, इसे कैसे पकड़ लेगी पुलिस? पहले तो जम के पेलेगी, ठोकेगी, उसके बाद लेके जाएगी। अरे ये सब ना करना बबलू, बिल्कुल यही चाहता है चिंटुआ। तुम जेल में चले जाओ, उसके बाद तुम्हारी बीवी को क्या? बताओ तुम्हारी बीवी को क्या? अब अरे कुछ नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इन सब चीजों के बारे में भाभी जी को पता चलेगा तो कैसा लगेगा? वो कहते हैं ना, अकेली लुगाई और दूध में पड़ी मलाई कोई भी कपचिया लेता है। अरे मैंने कब कहा बैंक लूटने को, ये तो साला चिंटुआ है जो कह रहा है। कह रहे चिंटुआ, कहा है बबलुओं का दिमाग खराब कर रहा है, फालतू उल्टा सीधा के आइडिया दे रहा है पैसे कमाने का। अरे गुप्ता जी, यही तो पूछ रहे थे कि पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट बताओ तो बता दिए। अरे ठीक है, ये सब छोड़ो, ये बताओ ये रजुओं को क्या हो गया है? जब से बैठा है तब से इक्को आवाज मुंह से नहीं निकली है। कहा बे राजू, क्या हुआ? कहा इतना सन्नाटा छाया है बे? कहा राजू, क्या हुआ? अब तो शादी भी हो गई, अब तो रातें रंगीन घट रही होगी। कटेगी क्यों नहीं, 45 साल, पूरे 45 साल इंतजार किया है तो जाके इसको दुल्हन मिली है। क्या कह रहे हो गुप्ता जी, 45 साल? कहो राजू भैया, तुम 45 साल के हो गए हो? अभी तक कुंवारे ही थे, क्या कर रहे थे अभी तक? अपने हाथों से काम चला रहे थे और क्या। मतलब कितना अपना काम खुद करते हैं। कभी तो शादी करनी ही थी, देखो कितना मुरझा गया है बेचारा। मुरझा गया? कहाँ मुरझा गया है, इसका चेहरा तो बिल्कुल ना ठीक है। अरे हम चेहरे की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा लेकिन एक बात तो है, जब से रजुआ की बीवी आई है तब से इसके हाथ को काफी आराम मिल गया होगा। पहले तो हाथ ही मेरा साथी था, और जब से क्या? अरे कुछ नहीं। अरे नहीं, जब से क्या बोलो, झाड़ू पोछा खाना खुद नहाना सब कुछ करना पड़ता था ना, अब तो भाभी आ गई, अब तो घर को संभालती होंगी। अब तो भाभी आ गई है ना घर को संभालने के लिए। अरे वो तो सबकी बीवी संभालती है, क्यों तुम्हारी बीवी नहीं संभालती क्या? अरे हाँ संभालती है, क्यों नहीं संभालेगी? अरे हट झूठ, हर दूसरे दिन तो इनकी बीवी मायके चली जाती है। अरे हाँ जाती है तो क्या हुआ, अपने बाप के घर जाती है, तुमसे पूछ के जाएगी क्या?